1 जनवरी, तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस साल काफी तरक्की करें और खुश रहें। तो अपने न्यू ईयर को स्पेशल बनाने के लिए हमने कुछ खास प्लान किया है। तो हम जाने वाले हैं एक ट्रिप पे, जो हमारी ट्रिप होने वाली है कोरदार से टिहरी तक। तो टिहरी में एक प्रसिद्ध मंदिर है, सुरकंडा देवी मंदिर। आप सबने नाम सुना होगा, जो कि सुरकुट पर्वत में स्थित है। तो हमने सोचा क्यों नहीं न्यू ईयर के दिन कहीं चलते हैं घूमने। तो सारे लोगों ने प्लान किया और उसके बाद फाइनली हमने ये डन किया कि हम घूमने निकलेंगे टिहरी की तरफ। तो हमारी जर्नी शुरू होती है 1 जनवरी से सुबह 5 बजे से। तो चलिए फिर, आप भी हमारी जर्नी का हिस्सा बनिए और हमारे साथ इस जर्नी का आनंद लीजिए। 6:05, 7 मिनट हो चुके हैं और धीरे धीरे सारे लोग आने शुरू हो चुके हैं। तो बस पूरी धीरे धीरे पूरी भर चुकी है और धारा भी अंधेरा ही हो रखा है। सुबह भी हुई नहीं ढंग से, तो हम इतने सुबह सुबह निकल चुके हैं। बैक बेंचर हमारे फिर से बन्नी भाई और मस्तु भाई और बूस्टर भाई, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, सबको हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी न्यू ईयर। तो आ चुके हैं सारे लोग और अब हम निकल चुके हैं अपनी जर्नी की तरफ। खुशी थोड़ा दर्द थोड़ा गम, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। थोड़ा जाम थोड़ा काम थोड़ा आराम, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। थोड़ी खुशी थोड़ा दर्द थोड़ा गम, यही है जिंदगी। जाम थोड़ा काम थोड़ा आराम, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। मैं तो बस खोना जाऊं, कदमों को रुकने ना दूं। मैं तो बस चलता जाऊं, वक्त को थमने ना दूं। मैं तो बस खोना जाऊं, कदमों को रुकने ना दूं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं हरिद्वार में। तो सुबह के 7:55 हो चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। तो सुबह काफ़ी ठंड थी और अंधेरा भी था, तो ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं। तो अब यहां से आपको काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस जर्नी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो ब्लॉग में बनी रहिए और इस जर्नी का हमारे साथ इंजॉय लीजिए। रास्ते मिल गए, मंजिल खो गई और ढूंढ रहे हम जाने क्या। खो गया मैं जहां, खुद को खुद मैं ढूंढ रहा। मैं तो बस खोना जाऊं, कदमों को रुकने ना दूं। मैं तो बस चलता जाऊं, वक्त को थमने ना दूं। तो हम पहुंच चुके हैं अमसेरा के सामने। तो ये टिहरी ज़िले में पड़ता है, तो टिहरी ज़िले में हमने प्रवेश कर लिया है। तो यहाँ पे ये वाली हमारी बस है, तो इसमें रुक रखे हैं अभी, यहाँ पे चाय पानी पी रहे हैं। तो अभी हम लाल नदी में जा रहे हैं, तो वहाँ का भी दिखा दें आपको नज़ारा कैसा है।
जब तक वो खाना खाते हैं हम तब तक घूम लेते हैं नीचे। यहाँ पे पूल गेम जो कि मैंने जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, इसे ना मैंने खेला है। अरे से देखिए मेरे को आता भी नहीं है। ढंग से खेल, ढंग से। अच्छा पे कंचा भी ऐसे कर गया, खड़ी चोट हजा हजा है जो मैंने वॉच कर दी। भाई उल्टे काम ना करो तुम। टुन्नी भाई हमारे काफी साथी खिलाड़ी है। भाई मार तो ले यार। और ये देखिए अबे भाई तो यहाँ पे झूले के टाइप का एक यहाँ पे बैठ के मस्त तू बैठ, छोड़ना हाथ ऐसे देखो। भाई तो ताली ना लपट जाए। मुड़ी देखता पानी वो तो मची। ओ भाई तो आप निकल चुके हैं बस, और ये है हमारी बस आज की। तो ये सारे हमारे भाई बंधु, चलिए तो ये सारे लोग हैं जो आज घूमने के लिए आए हैं। तो हम तो जा रहे हैं अपने पीछे वाली सीट पे। तो दोस्तों हमने तो अपना आधा रूट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी आधा और बाकी है। उससे पहले मैं आपको अपना रूट मैप समझा देता हूँ कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पे हम एंड करेंगे। सो गाइस हमारी ट्रिप शुरू होती है कोटद्वार से। तो कोटद्वार से सबसे पहले हमें निकलना है हरिद्वार की ओर। तो हरिद्वार के लिए हमने फॉरेस्ट रेंज वाला रास्ता लिया जो कि जंगल वाला रास्ता है। बेसिकली वैसे कोटद्वार से हरिद्वार जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो नजीमाबाद वाला रूट है और एक ये जो हम जिस रास्ते से हम गए जंगल वाला रूट। तो ये वाला रूट आपको नजीमाबाद वाले रास्ते से काफ़ी जल्दी पहुंचा देता है, इसलिए हमने ये वाला रास्ता लिया। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद हम निकले ऋषिकेश की तरफ। तो ऋषिकेश में पहुँचने के बाद हम सीधा निकले नरेंद्र नगर की ओर, जो आपको ये पीला रूट दिखाई दे रहा है। इस पे हम लगातार चलते रहे और फाइनली हम पहुंच चुके थे चंबा मार्केट में। तो चंबा मार्केट से सुरकंडा माता मंदिर सिर्फ 23 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये था हमारा रूट मैप जो मैंने आपको गूगल मैप के ज़रिए से बताया। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, लेकिन पीछे देख सकते हैं आप जाम कितना लगा है, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो आप गाड़ियों के अंदाजे से लगा उतर रहे हैं सारे के सारे लोग। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं सुरकंडा माता के मंदिर के नीचे। तो यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं आप किस कदर से लग रखी है, चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हो रखी है। भीड़ तो काफ़ी हो रखी है, इसलिए बस पीछे रोकनी पड़ी क्योंकि आगे तो हम जा नहीं सकते। सारे लोग तो आगे जा चुके हैं, पीछे सिर्फ अपने पंटर लोग ही बचे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और मिलते हैं आपको थोड़ी आगे में, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत है यार। पीछे देखिए तो भीड़ देख सकते हैं आप, भाई साहब बस की बस आ रखी है यहाँ। तो अभी हमने वहाँ जाना है वोरी मंदिर। तो ये हमने सारा ये जो ये रास्ता है ये पूरा ट्रैक करके वहाँ पहुँचना है। फिलहाल तो यहाँ पे जाम है, तो यहाँ पे हम रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं। इधर हिमालय पर्वत वोरा, ये तो दिख ही चुका था मैं आगे से, पर यहाँ से क्लियर दिख रहा है, ऊपर से भी और क्लियर दिखेगा। और ये हमारे मस्तु भाई आनंद लेते हुए। मस्तु भाई कैसा लग रहा है नज़ारा? तो भाई साहब जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक ट्रैफिक ट्रैफिक हो रखा है। क्या बोले, आज तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई न्यू ईयर के दिन।
हम गेट के सामने पहुंच चुके हैं माता सुरकंडा माता का। तो यहाँ पे शॉप देख सकते हैं आप प्रसादों की। तो यहाँ पे प्रसाद लेके हम जा रहे हैं ऊपर। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप है, तो आपको यहाँ पे 150 रुपये में प्रसाद मिल जाएगा और आप उसके बाद ट्रैक कर सकते हैं ये रास्ता। अब हमें सारे ट्रैक करने वाले हैं ये रास्ता, तो काफ़ी आसानी से हम कर लेंगे वैसे हमें पता है। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा ट्रैक ऊपर के लिए। तो चलिए छोड़ने का बैंक है। तो यहाँ पे भंडारा बन रहा है और नीचे मार्केट है, छोटी छोटी दुकानें, और यहाँ पे भंडारा हो रहा है। और बानर सेना को देखिए यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं। वहाँ खोल रहा है वो। देखो नीचे रोड दिख रही है आपको, यहाँ से चढ़ गया है हमें, पूरा ट्रैक किया हमने ये और इधर। तो ये ठीक ऊपर मंदिर है और यहाँ पे ट्रॉली का काम भी कार्य प्रगति पे है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पर बन रहा है। कि आने वाले सालों में आपको ट्रॉली के भी दर्शन होंगे, तो आप ट्रॉली से ऊपर आ सकते हो ईजी। तो अभी ये कम्प्लीट नहीं हुआ है, काम चल रहा है इस पर। मज़ा तो काफ़ी आ रहा है, बस जो हमारे साथ ही है वो पीछे छूट गए, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। तो मैं गौरव भाई को पूछता हूँ उनका जो ये रूट था, ये ट्रैक था, कैसे उन्होंने कंप्लीट किया। चाची जी कैसे था रूट? बहुत बढ़िया है। आप इतने पीछे कैसे छूट गए भाई? मैं तो आपके साथ था। खड़ी चढ़ाई थी ना, पानी की बोतल इतनी रखी। हाँ वो बताना भूल गया, बैग में कुछ नहीं है, सिर्फ पानी की बोतल है, वो भी 5-5 लीटर की दो। तो हमारे चाचा जी ने पकड़ रखी थी, अब वो वाला बैग मैंने पकड़ रखा था और उसके साथ एक स्पीकर था। तो बाकी लोग तो खाली आ रहे लेकिन हमारे पास सामान था, फिर भी हम उनसे जल्दी पहुँचे। मंदिर में तब जाएंगे जब सारे आ जाएंगे, है ना, सबके साथ। आओ 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 सानू जी, तो कैसा था आपका ट्रैक? बहुत बहुत ज़्यादा थक लग गई। जय हो, सब ले लो भाई एक घंटे। तो दोस्तों स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगने के बाद हमें लग चुका था कि आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो जैसे ही हम मंदिर के अंदर पहुंचे तो जहां तक हमारी नज़र जा रही थी चारों तरफ भीड़ ही भीड़ हो रखी थी। तो दोस्तों जब तक हमारी बारी आती है माता के दर्शन करने की, तब तक मैं आपको माता सुरकंडा देवी की कहानी बताता हूँ कि इस मंदिर के पीछे क्या कहानी थी। तो दोस्तों ये कहानी सतयुग की है, जब ब्रह्मपुत्र प्रजापति राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस महायज्ञ में उन्होंने देवादेव महादेव और आदि शक्ति अलावा अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। सभी देवी देवताओं को यज्ञ स्थल कनखल में जाते देख सती माता का मन भी बहल उठा। उनके दिल में वहां जाने की तरंग जाग उठी और वह भोलेनाथ से यह मंत्रणा करने लगी कि यह तो मेरा स्वयं का घर है, हमें वहां जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। परंतु भगवान शंकर ने मां सती को यह कहकर कि बिना निमंत्रण वहां जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा, मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन मां सती ने शंकर जी की बातें ना मानकर वह यज्ञ स्थान पर चली गई। जब सती मां ने अपने पिता से महादेव का स्थान न होने के कारण पूछा तो उनके पिता ने उनको तथा उनके पति को अपमानजनक शब्द सुना डाले तथा देवी सती अपमानजनक बातें सहन न कर पाई, वह यज्ञ कुंड में कूद गई तथा स्वयं की ही ऊर्जा से खुद को भस्म कर दिया। महादेव को जब यह बात पता चली तो उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया और माता का पार्थिव शरीर त्रिशूल में उठाकर ब्रह्मांड में प्रहरण करने लगे, जिससे पूरी सृष्टि में प्रलय जैसी स्थिति आ गई। तभी देवी देवता भगवान शिव को शांत करने के लिए सृष्टि पालक भगवान विष्णु के पास गए। इससे भगवान विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभाजित कर दिया। जो भाग जिस स्थान में गिरे वह शक्तिपीठ अथवा सिद्धपीठ कहलाए, जिसमें देवी का सिर इस पवित्र स्थान पर गिरा, इसलिए इस जगह का नाम सुरकंडा देवी कहा गया। और ये हमारी ताई जी है, तो कैसा लग रहा है आपको आज? अच्छा लग रहा है। नए साल के नए दिन में आप माता के मंदिर में आए, तो कैसा लग रहा है आपको? फील कैसा हो रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो बढ़िया बढ़िया, आप दर्शन करिए जल्दी से और हम आगे खड़े हैं, ठीक है? भाई लोग बोल रहे हैं कि बल कुछ डांस हो जाए, बल
क्योंकि दर्शन करके तो हम आ चुके हैं और यहाँ पे पोशाक हैं गढ़वाली पोशाक और यहाँ पे डांस। चलो गौरव चलो। फाइनली पहुंच चुके हैं इतने आगे। तो कैसा लग रहा है तुम्हें लाइन पे खड़े होके? लाइन पे खड़े होके तो बहुत लंबी लाइन लगी। बोर तो नहीं हो रहे तुम? खाना नहीं खाया हमने। हाँ खाना नहीं खाते जब दर्शन करने जाते हैं। तो चलो तुम पास में ही हो और ये मंदिर है तो यहाँ दर्शन करके आएंगे ताई फूफू और दीदी लोग। हम तो करके आ चुके हैं जो हम सारे हैं अपनी गली के। अरे बस इनकी रे रखी है दर्शन करने की बारी, बाकी उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। फाइनली गाइस दर्शन भी हमने कर लिया सारे के सारों ने और अब हम खाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं सारे के सारे। तो मंदिर के नीचे यहाँ पे काफ़ी मस्त है, मतलब यहाँ पे आप मस्त से पिकनिक कर सकते हैं। तो वही है यहाँ पे कर रहे हैं सारे लोग, जैसे कि यहाँ पे हम हैं ऊपर वो है, यहाँ पे थोड़े बहुत शॉप भी है, यहाँ पे टेबल लगा रखे बट वो बुक हो चुके हैं मतलब फुल है, तो हम यहाँ पे आ गए खुले। इसे ऐसे खाने में अलग ही मज़ा है, है ना मस्त भाई? या तो चलिए आप जुड़ते हैं हम भी। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, इधर साइड तो धुंध छा रखे तो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, और नीचे वो गांव मस्त लग रहा है ये वाला। और इधर चारों तरफ आप देखोगे तो 360 व्यू, और इधर से आपको हिमालय देखने को मिलेगा पूरा वो देखो। और इधर हमारे गौरव चाचा मस्तु भैया बूस्टर भाई, तो इनसे मैं इनका रिएक्शन पूछता हूँ कि कैसा था आज का। तो कैसा लगा आपको आज का दिन? बहुत मजा आया भाई। मजा आया बिल्कुल ना। और विशु भाई अंशु भाई आपको कैसा लगा? अरे यार अभी तो मजा ही नहीं आ रहा। क्यों? अरे वैसे मजा आएगा ना, बहुत ज्यादा मजा आया। अंशु तुझे बहुत मजा। तो हमारे साथ आ रखे हैं ये है पूजा गुसाई, ये आयशा गुसाई, ये प्रतीक्षा गुसाई और ये है रश्मि गुसाई। तो हाँ भाई कैसा था आपका आज का ओवरऑल, जितना आपने घूमा गोली दी आपको कैसा लगा? बेस्ट था, बेस्ट था। छुट्टी नहीं मिलती लेकिन आज मजा आ गया। ये हाँ पूजा पू आपको कैसा लगा? बहुत मस्त था। मजा आएगा ना? ये पहले मना कर रहे थे तुम आने में पर आके फिर फ्रेश यही है। और यहाँ पे हमारे दो भाई लोग तो दोस्तों फाइनली हमने विजिट कर लिया है सुरकंडा माता, काफी अच्छा था मजा आ गया। लास्ट का नज़ारा दिखा दो मंदिर का, ये देखिए काफी मस्त था। जय हो जय सुरकंडा माता, बाय बाय। और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है क्या ही बोले भाई, दिल को शांति मिल जाती है। हाँ चलो दौड़ चुके हैं सारे भाई लोग। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रोड के सामने। जय माँ सुरकंडा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। कैसा लगा आज? हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा माता के दर्शन करके मतलब दिल खुश हो गया ना? माता रानी के दर्शन करके हमारा दिल तो खुश था। चाची जी आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगी, बहुत खैर आ गई। खैर तो आई गई, खैर तो सबको आ गई। तुम दो गिरे। हाँ बोलो दी आपको कैसा लगा मजा? तो ये फाइनल रिएक्शन है सबका। और पूजा फू आपको ताई आपको कैसा लगा आज का रूट? मजा आई ना? बहुत अच्छा लगा। आपको? बहुत बढ़िया। और भाई लोगों पंटर लोगों तुम्हें कैसा लगा? जय
एक बार बोले बाबा की जय।